सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं अपने ब्रीडिंग रूम में। सुबह सुबह का नज़ारा आप ब्रीडिंग रूम का देख लें, और येलो बल्ब ये जल रहा है और एक ये हैलोजन जल रहा है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। माशाल्लाह से सब कुछ बेहतर है। ये ब्लूटूथ का वर्किंग का पेयर बाहर बैठा हुआ है, इसके बच्चे जो हैं वो अंदर हैं माशाल्लाह से, ये देख लें आप लोग। तो बात करते हैं आज के शॉर्ट फूड की। तो ये शॉर्ट फूड देख लें आज का तैयार हुआ हुआ है, इसमें है क्या क्या। देखिए बिल्कुल ड्राई शॉर्ट फूड, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। शॉर्ट फूड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ऐसे जो है वो ड्राई शॉर्ट फूड होना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें जो है वो अंडे हैं, अंडों के साथ में मैंने रस जो है वो इसमें क्रश किया हुआ है, और उसके साथ में दलिया को 2 से 3 घंटे भिगोया हुआ है, फिर उसको सोक किया हुआ है, जाली में रख के छान के बहुत देर तक उसको रखा हुआ है, पेपर पे फैला के इसको ड्राई कर लिया है पूरा, वो ऐड कर दिया है। बाकी सोया इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, उसके साथ में ऑलिव ऑयल वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इसमें किया गया है। थोड़ा सा सर्दी भी पड़ रही है, तो ये देख लें आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डेलमोंटे का आता है, ये आप लोग यूज़ करें। इसका इस्तेमाल किया है, सर्दी पड़ रही है, बेहतर रहता है बर्ड्स के लिए। अभी झींगा मछली का पाउडर भी हम लोग बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं, वो भी दिखाएंगे, और माशाल्लाह से ये शॉर्ट फूड तैयार है। सो फ्रेंड्स ये आप लोग देख लें, माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीजन चल रहा है फ्रेंड्स। तो अभी जो है वो DIS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेड इन एक्सेल। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं वो डेड इन एक्सेल की आई हुई हैं। मेरे दोस्त जो है वो मेरे जो है वो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मेरे कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं वो यार मैसेज कर रहे हैं मुझको, यार जफर भाई जो है वो अंडे बहुत ख़राब हो रहे हैं, डेड इन एक्सेल का मसला हो रहा है। तो भाई वो सबके यहाँ हो रहा है ज़्यादातर। ये देख लें आप लोग मौसम के हालात देख लें कि बाहर इस तरीके का मौसम हुआ हो रखा है। ये देख लें 10 बजने जा रहा है, धूप नहीं है, अभी कोहरा पड़ रहा है। इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, हैलोजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्ब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी और बर्थ में किसी तरीके की दिक्कत आएगी तो ऑयल रेडिएटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है। हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है, ह्यूमिडिटी इससे कंट्रोल करते हैं, ज़रा सी धूप निकलती है तो ये विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर है यहाँ पे, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ में इशूज़ आ रहे हैं। तो डेड इन एक्सेल के लिए आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, और इवन बर्ड की डाइट को भी मेंटेन करके अच्छे से रखना है, क्योंकि डाइट अगर मेंटेन नहीं होगी एम्ब्रियो वीक होगा, जब एम्ब्रियो वीक होगा तो डेड इन एक्सेल का मसला आएगा। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों के दोस्तों के यहाँ जो है वो अंडे कम आ रहे थे, उसके लिए मैंने उनको सोल्यूशन बताया। अल्हम्दुलिल्लाह कैल्शियम की कमी मुझको लगी उनके यहाँ, तो मैंने कैल्सिलक्स का इस्तेमाल कराया, कैल्केडिया फॉस्ट्रोलक्स का इस्तेमाल कराया, माशाल्लाह से उनके यहाँ रिजल्ट अच्छे हैं, तो बेहतर है। मैं सोचता हूँ कि ब्रीडिंग सीजन सबके यहाँ अच्छा चल रहा होगा। ये कुछ बच्चे जो मैंने सेपरेट कर लिए थे यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ मैंने जो है वो फॉर्म पे प्री फ्लाई के लिए डाल दिए हैं, अल्बाइनोस को और स्प्लिट साइनोस को मैंने यहाँ पे रोका हुआ है माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स जो है वो ब्रीडिंग सीजन जो है वो अच्छा जा रहा है, अगर आप तरीके से रखेंगे बर्ड्स को तो आपके यहाँ भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके का कोई मसला है तो जाफर खान को बिल्कुल याद करें, मुझको मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। आज एक छोटा सा वीडियो है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।